यूट्यूब फैमिली थी। यहाँ पे सुबह में मेरे बेटा का हो रहा नाश्ता, नाश्ता में दूध बिस्किट, और ये मेरे बेटा का फेवरेट डिश है खाने के लिए। और मेरे बेटा ये चीज बहुत ज्यादा खुश से खाता है, कहीं मेरा नजर ना लग जाए। इसे बोलते सब कोई कि माँ बाप का नजर तुरंत लगता है बच्चे के ऊपर। मेरे बच्चे का अगर मेरा नजर लगा होगा तो उसके वजह से नजर हट जाए। थू 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 थू। तो फ्रेंड ये रहा मेरे शॉपिंग का कुछ सामान है, इसके अंदर में क्या आप लोगों को पता चल गया, बस आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिए। और अब निकला ये रहा दो नाइटी। ये नाइटी आज मैं ले ली हूँ फाइनली पहनने के लिए, क्योंकि मेरे पास नाइटी था नहीं, और था भी तो जानते कितना ज़्यादा फटा हुआ था, जो आप लोग कमेंट कर करके पूरा भर दे रहे थे कि फटा फटा पहनती हो, और आज फटा कपड़ा। फ्रेंड ये रहा मेरा नाइटी, जो आज का बाद से मैं नाइटी फटा बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली हूँ। और ये वाला नाइटी पहन का मैं बहुत जल्द आप लोगों को दिखाऊंगा, तो बस आप लोग बने रहो। मेरे सबसे बड़ी बात हो चुका फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं ये मंगलसूत्र टूट चुका है, और ये मंगलसूत्र टूटने का रीजन क्या नहीं पता मुझे। अब अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट के जरूर बताइए। ये वाला मंगलसूत्र अब रोहित को दे दूंगी, क्योंकि मैं दोबारा ये मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी। रोहित का नाम का मंगलसूत्र मैं हटा दी हूँ, रोहित का हाथ मैं थमा दी हूँ। अभी जिसको मंगलसूत्र पहनाना चाहता है पहना सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो फैमिली वेलकम टू माय चैनल पे आप सबको स्वागत है। मैं कितना बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मैं आप लोगों से बस ठीक हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव फ्रेंड। और आप लोगों का मेरा ब्लॉग दो दिन का कैसे लग रहा है कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अभी रात का समय हो रहा है, अभी हम लोग जस्ट मार्केटिंग करके इतना सारा सामान लेकर आए, क्या क्या लेकर आए मैं आप लोगों को सभी को बताएंगे। तब लोग बस मेरा ब्लॉग पर बनी रही है, और क्या लिए नहीं लिए वो सब बताएंगे। और साथ में देख सकते फ्रेंड, ये मेरा मंगलसूत्र है, जो इसको क्या बोला जाए, टूटिया बोले कि बढ़िया बोले, क्या बोले बताइए फ्रेंड। देखे ना कैसे हो गए, एगो देखो क्या हो गया, तो नया ला देगा ना, क्या हो गया, टूट गया, देख लो बनाने सकोगे तो बना। ये तो नहीं टूटा था, अभी कैसे टूट गया नहीं पता, बनाने सकोगे पता नहीं, देख लो साइड में रख दो, अभी बना के तुम पहनेंगे इधर में बनेगा। हुक खुल गया सर उसका, देखो तो उधर से हुक खुल गया, कैसे टूट गया, वहाँ पर तो लटकन है, देखना ना ऐसे ही होता ना फ्रेंड। सुंदर तो है लेकिन अभी हाल फिलहाल कितने दिन है लटा पिंडे को, एक सप्ताह भी नहीं हुई थी ना, एक सप्ताह भी नहीं हुआ फ्रेंड। ये 20 रुपये में हमने खरीदी थी, जानते एक सप्ताह भी नहीं हुआ पहने का, देख कितने लग गया, यानी कैमिंग बढ़ गया है। तो फ्रेंड इसको अच्छा बात है कि टूटना या फिर बढ़ना बताइए कमेंट करें, ठीक है फ्रेंड। मैं पति के ऊपर में कुछ चार्ज तो नहीं आएगा ना, आई आदमी को देखिए, खाने बच्चा का खाने का खा, देखिए 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 देखिए। और मैं ये कपड़ा पहनी हूँ, ये फ्रॉक है, और ये कैसे लग रहा है कमेंट के जरूर बताइएगा। और ये बहुत कम प्राइस में मिल रहा था मीशू में, और ये वाला कपड़ा मैं ली थी सस्ता में, 150 रुपये ना 100 रुपये में खरीद, ये वाला मीशू से हम लिए थे जब ऑफर था तब। और कैसे लग रहा है मेरे ऊपर में जरूर बताइए। और अभी इतना सारा सामान लेकर आए, क्या क्या लेकर आएगा पता है ना तेरे को, क्या क्या लाया देखा तो साधे में तो शॉपिंग की है, क्या क्या लाया है। चलिए आप लोग दिखाते, रोहित जी अभी कैमरा पकड़ देंगे ना, कैमरा मैन हम अभी खिला रहे, थोड़ा सा कैमरा भी पकड़ दो, नीचे छोड़ेंगे तो पूरा डाल देगा, फिर भी तुम कैमरा मैन हो, तुमको पकड़ना ही होगा कैमरा। तो फ्रेंड पता है बहुत जन बोलते हैं कमेंट करके कि अपना पति को इज्जत नहीं देती, अपने पति को मतलब ऐसे बोलती वैसे बोलती, तो एक बात पता है, पति है मेरा, बट पति से जो है ना ज़्यादा, मतलब पति है लेकिन पति एक दोस्त भी है, मतलब पति भी है दोस्त भी है मेरा। जैसे मेरे को कुछ तकलीफ होता है या मुझे कुछ दिक्कत होता है या फिर मेरे को कोई कुछ बोलता है तो मेरा पेट में नहीं रहता, मैं डायरेक्ट उनको बोलती हूँ ना, को सारा बात बोलते कि नहीं बता लड्डू। और इसी से मतलब मेरा ज़्यादातर सब बात होता है रोहित के साथ में, और इसका भी जो बात रहा तो मेरे को बोलता है, मतलब हमने एक दोस्त का तरह एक भी बात ऐसे नहीं कि छुपाएंगे, चलो ये पता चलेगा कि ये होगा बोल के नहीं, मेरा बात कहाँ से, हम कुछ क्या बोलते हैं, फिर भी इसका मतलब दुकान में कुछ भी होता है वो बोलते हैं, और मेरे साथ तो जो भी होता है वो तो मेरे डेली होता है कुछ भी तो ये सब सारा शेयर होता है। एक पूजा दीदी का पास होता है, दूसरा इनका पास होता है, तो जिनका पास मेरा बात रहता है फ्रेंड। दीदी को जब तक हम बोलते हैं ना, तो पूजा दीदी से भी नहीं बोला ना मेरे पेट में हजम नहीं होगा, पूजा दीदी को भी बोलना जरूरी है, और इनको तो पूरा बोलना ही पड़ता, क्योंकि देखिए किसी का मुँह से सुनने से अच्छा कि मेरा मुँह से सुन लें, सही बात है ना फ्रेंड। कि
बाद बाकी लोग तो जानते ना घर तोड़ने वाला लोग रहता है और घर बनाने वाला तो हम औरत ही लोग रहते हैं ना, है ना, जिसके जिसके घर टूटता उन लोगों को पता है घर जोड़ने वाला घर तोड़ने वाला क्या फ्रेंड। तो चलिए आप लोग बने रहिए, अभी बहुत ज़्यादा लंबा भाषण झाड़ दिया, अभी आप लोग सामान दिखाते हैं, फिर आप लोग बोलेंगे सो बोरिंग सो बोरिंग सो बोरिंग ऐसे बोलिएगा। इसलिए है गाइस, तो अभी मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं क्या ली हूँ क्या नहीं ली हूँ, सब चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और सबसे पहले जब तो इतना ज़्यादा मुश्किल वाला अभी आया था, क्या बोलते हैं, मेरा फ़ोन में ना कैमरा ऑन नहीं हो रहा था ना, वो कैमरा में फ़ोन ऑन मतलब कैमरा ऑन नहीं हो रहा था फ़ोन पर, तो मैं ब्लॉग का इतना ज़्यादा वीडियोस लेके फ़ोटोज लेके इतना सारा डिलीट किए फिर भी नहीं हो रहा था, उसके बाद क्या ऐसे कैसे क्या 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 पता ना अभी ब्लॉग रेडी मतलब रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं हो रहा वो भी नहीं पता फ्रेंड। चलिए जैसे भी हो रहा मैं आप लोगों को बताऊँगी फ्रेंड, समझ में नहीं आया, मैं तो आधा घंटे इसी में लग गया, सर में दर्द हो गया। तो सबसे पहले ये देख सकते ये कचराडी है, डस्टबिन है, सॉरी डस्टबिन है, और ये अपने घर में यूज़ करने के लिए फ्रेंड, क्योंकि हम लोग घर पे कचरा उचरा फेंकने वाले, और ये जानते हैं मुझे लग रहा है ख़राब वाला दे दिया है, वहाँ पे तो चेक किया तो ठीक था बट ढक्कन ना थोड़ा सा बड़ा साइज में दे दिया है, इसलिए ना ये ना बार बार अपने पता नहीं क्यों खुल जा रहा है, समझ नहीं आ रहा अपने आप खुल जा रहा है, पता है इसे मैं फिर कैसे हो पाती है, अभी इधर साइड तक खुल गया कोई मतलब नहीं, कल जाकर चेंज करवाएंगे फिर बोलेंगे दूसरा दीजिए, ऐसे में थोड़ी होगा फिर तुम पता ही पैसा देख लिए भाई। तो ये हो गया डस्टबिन, ये सिर्फ 100 रुपये का यानी कि 99 का ही है डस्टबिन है, उसके साथ में इसमें क्या है आप लोग सोचिए कमेंट कर बताइए, ये भी मैं आप लोग दिखाऊंगी। और यहाँ पर 99 में मैं ली हूँ लड्डू के लिए वाइप्स, अभी ठंडा सीजन आ रहा ना तो नहलाना तो बनेगा नहीं, तो बदन बदन इसी से पोछेंगे चेहरा वहरा फिर उसका पोटी वोटी जो करता है पोछने के लिए, ये 99 में। और हम क्या हो गया कुछ खास, और यहाँ पर मैंने लिए मेडिकल से लड्डू के लिए वाटर ग्राफ गरे वाटर में ये लिए, और ये मेरे लिए लिए देखिए मैं ना अचानक से पता नहीं कमर में इतना ज़्यादा है ना पेन हो रहा है फिर इस वजह से जो हम मतलब ये अपना कमर पे लगाएंगे, तो ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और साथ में से आप लोगों का भी गाना का भी थोड़ा थोड़ा गाना भी सुनाई देगा, यहाँ पे जलता है मेरा सब बहुत, कोई क्या पता दिल्ली का तमाशा बन गया गाना लगाने, और जब हम गाना बजाते ना तो सारा बस्ती ना बोलने आ जाता है हाँ। तो ये छोटे से थैला में देख सकते हैं दूध है, ये गाय का दूध है, ज़्यादा किलो 43 रुपये पड़ रहे थे, आधा किलो का 43 रुपये दूध है ये, इसको अभी हम गर्म करेंगे लड्डू को पिलाने के लिए। और ये रहा प्लास्टिक, ये प्लास्टिक में मैं ली हूँ आज न्यू नाइटी, क्योंकि मेरे घर पर नाइटी नहीं था, और आप लोग कमेंट करके बहुत दिन बोल रहे थे पहले कि ये फटाफट नाइटी पहनती है, नया नाइटी ना, नया नाइटी आज ले ही लिया फ्रेंड, फाइनली देखते हैं दिवाली में ही पहन कर घूमेंगे, दिवाली में नहीं हैप्पी दिवाली, देखिए पॉकेट भी अच्छा है बट ना देखें स्टिक वाला है, क्या बोलते हैं लबट वाला, देखें कैसे लग रहा बताइएगा ठीक है। ये नाइटी है, मैं आप लोगों को ऐसे बैठे बैठे दिखाऊंगा फ्रेंड क्योंकि खड़ा होने का मन नहीं कर रहा है, और यहाँ पे ये वाला एक नाइटी मिला, क्योंकि ऐसे लगे सिर्फ ये नाइटी एक ही पीस था तो एक ही पीस मिला, तो फिर हम लोग दूसरा दे दीजिए, फिर ये वाला दिया है देखे फ्रेंड, ये वाला अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा कमेंट जरूर बताइएगा ठीक है गाइस। और ये होगा साथ में इसको दिखाते इसके अंदर में क्या है, अभी मैं इसको खोलती हूँ ठीक है, तो घर में मैं लड़की लगा मतलब सबको ये हो जाएगा, ये देखते हैं ये रहा थी 3 पैकेट, ये सिर्फ 99 में 3 पैकेट है फ्रेंड, क्या खराबी है क्या सही है बताइएगा फ्रेंड ठीक है, ये 99 में 3 पैकेट है देखिए इसका क्रीम, और ये ले लिए है जिसका भी मन आनंद है, मेरी बहन भी है और मैं भी हूँ, तो ये यूज़ होगा हम फ्रेंड से, और साथ में हम यहाँ ले आए छाटन, अभी चावल मतलब दोपहर में बनाए थे ना तो माड़ भात है, तो ये अभी ये खाया जाएगा छाटन, छाटन खोल कर दिखाया, और इसमें है समोसा जो हम लोग नाश्ता करने के लिए लाए थे, तो मैं सोची कि आप लोगों को शेयर करेंगे सारे चीज़ क्या लिए नहीं लिए बोल करके, तो फिर उसका बात क्या होगा अभी हम जैसे ब्लॉगिंग करेंगे बोले वैसे ही मेरा कैमरा में मतलब दिक्कत तो आ गया था, मतलब कैमरा ही नहीं ऑन हो रहा था, तो इतना सारा वीडियो इतना सारा फोटो क्या क्या सब हम पता नहीं, हम दिमाग काम नहीं कर रहा था, जो मिला सब डिलीट डिलीट कर दिए, अभी जब चेक करें तब पता चलेगा कि हाँ ये कैसे ये कैसे ना फ्रेंड, इसलिए अभी कंटिन्यू ब्लॉग को बने गई, और अभी हम लोग सब हटाते हैं फ्रेंड, और कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये नाइटी जो है धो कर पहनेंगे क्योंकि दीदी मतलब जिसका यहाँ से खरीदा ना वो भाभी बोली कि
इसको धो कर पहनना तो ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल मेरा। तो चलिए और ये डस्टबिन कल से यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा घर के लिए। और ये रहा कुर्ती जो कल पहना जाएगा, मतलब कभी भी पर कल करते हैं। तो अभी जो है उसको खाने भी नहीं स्टार्ट कर रहे आग लड्डू का दूध गर्म करते। फैमिली वेलकम टू माई छिले पे, आप सबको स्वागत है। गुड मॉर्निंग जय माता दी हरहर माधव फ्रेंड। जैसे कि आप लोग कल के ब्लॉग पे देखे थे कि मैं बहुत सारा शॉपिंग करके लाई थी, क्या क्या लाई थी वो तो आप लोगों को पता ही है। और अभी मॉर्निंग का समय और अभी हम लोग घर का सब काम खत्म हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन धोना कपड़ा धोता मुँह धोना नहाना धोना सब हो चुका है। और मेरा अभी देख सकते हैं नाक जाम हो जाना फिर पता है ठंडा की वजह से। तो अभी हम किचन पर लग गए, देख सकते सुबह में बना रहे हैं। यहाँ पर रास्ता में मैगी है और यहाँ पे चावल है, चावल के साथ में मैं आलू भी डाल दी हूँ ताकि आलू और चावल दोनों साथ में सीज जाए। और आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता, दोपहर का चावल में रहेगा बैंगन का भरता। तो ये कैसे खाते नहीं वो खाते हैं बट वो इससे खाते यानी कि तेल साथ में फ्राई वाला होता ना वो इससे खाते। तो हमें आज तेल वाला फ्राई नहीं करना पसंद, वैसे ही बैंगन का भरता बनेंगे, आलू डाल कर टमाटर जला देंगे और आलू। आज गुरुवार भी है ना, जलाई वाला चाहिए ना गुरु बार चलाना नहीं चाहिए फ्रेंड देखते हैं। और अभी हम लड्डू को खिला रहे हैं सुबह में दूध बिस्कुट खा रहा ना लड्डू, टेस्टी टेस्टी एमएमए है मम है अच्छा मम है। इसलिए फिर हम लोग बने रहा ये भी नाइटी दूध था जाँच में पहनी हूँ ना करके। चलिए एकदम कंटिन्यू बने रही है लड्डू को नाश्ता कराते हैं। और कमेंट में जरूर बताइएगा हमारे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक सर कमेंट कीजिए, ढेर सारे प्यार दीजिए। और मेरे घर का ब्लॉग कैसे लगता है ये भी जरूर बताइएगा ठीक है। और जैसे प्यार सपोर्ट करते हैं ऐसे करते रहिए लड्डू। तो अभी वही भी पकेगा उसका मतलब टमाटर आलू ये सब जितना भी है उसको जलाएंगे। और लड्डू का दोपहर का चावल में रहेगा भात और दाल तो नहीं बना रहे, भात रहेगा और आलू रहेगा, आलू का चोखा रहेगा लड्डू का चावल में खाने में ना लड्डू दोपहर में उसका यही रहेगा आराम का रहेगा। बच्चों को बैंगन खिला सकते कि नहीं सकते वो नहीं पता मुझे, इसलिए बैंगन लड्डू का नहीं खिलाएंगे वरना फिर नहीं हमको पता है फिर जल्द में कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटे बच्चों में ना भाई। और लड्डू का हम देख सकते सब चीज़ पहना दिए, टोपी से लेके मोजा पेन गंजी सब पहना दिए इसको ना लड्डू ठंडा ना लगे बोल के नाश्ता मांग रहा देखिए हमको नाश्ता देने के लिए। नाश्ता दे लड्डू मम खाना है हाँ। तो चलिए बाबा फ्रेंड आज के ब्लॉग यहाँ पैन करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया हुआ। तो चलिए कंटिन्यू रहिए ब्लॉग मेरा।